तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी वीडियो के अंदर। और यहाँ पर मैंने जैसे ही चैलेंज मोड पर क्लिक किया तो मेरी गेम के अंदर यहाँ पर कई सारे चैलेंज मोड आ चुके हैं। यहाँ पर मेरे पास 3 चैलेंज मोड तो पहले से अवेलेबल थे, लेकिन यहाँ पर मुझे कार रेसिंग का चैलेंज मोड मिल गया। साथ यहाँ पर मुझे बाइक रेसिंग का भी चैलेंज मोड मिल चुका है। और यहाँ पर मेरे पास न्यू हाउस और मल्टीप्लेयर मोड का भी चैलेंज मोड आ चुका है। और यहाँ पर मैंने जैसे मल्टीप्लेयर मोड पर क्लिक किया तो मेरी गेम के अंदर यहाँ पर मल्टीप्लेयर मोड का चैलेंज स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हो कि मेरे पास आ चुका है यहाँ पर मल्टीप्लेयर मोड। और लिटरली मल्टीप्लेयर मोड में तो गेम खेलने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आप सभी लोग अपनी गेम के अंदर ये सारी की सारी चीजों को कैसे ले सकते हो। साथ साथ आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको हमारी गेम के अंदर फ्लाइंग थार का चीट कोड बताने वाला हूं। साथ साथ आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको हमारी गेम के अंदर कुछ कमाल की ट्रिक को भी ट्राई करके दिखाने वाला हूं। तो लिटरली आज की इस वीडियो के अंदर आप सभी लोगों को काफी ज्यादा मजा आने वाला है। लेकिन इस वाली वीडियो की स्टार्टिंग करने से पहले आप में से जिन लोगों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज इस वीडियो को एक छोटी सी लाइक कर देना और चैनल को फटक से सब्सक्राइब कर देना। और गाइस, आपने अभी तक हमारी सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, तो वहां पर जाकर उस चैनल को भी एक बार सब्सक्राइब जरूर से कर देना। I am sorry बाबू। अरे वीडियो सॉरी नहीं है तो सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। ओरे बाबा। अरे हाँ बाबा, तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, अब हम बात करते हैं कि आप सभी लोग मेरी तरह अपनी गेम के अंदर इतने सारे चैलेंज मोड को कैसे ले सकते हो। साथ साथ आप सभी लोग अपनी गेम के अंदर मल्टीप्लेयर मोड को कैसे खेल सकते हो। लेकिन इन सभी के बारे में जानने से पहले मैं आपको हमारी गेम के अंदर कुछ न्यू कमाल की ट्रिक को ट्राई करके दिखा देता हूं। तो गाइस, जो नंबर 1 पर ट्रिक होने वाली है वो तो काफी ज्यादा मस्त होने वाली है। गाइस, मैंने आपको ये वाली ट्रिक पहले भी बताई थी लेकिन आप लोगों को ये वाली ट्रिक पहले पसंद नहीं आई थी, लेकिन अभी मैं आपको ये वाली ट्रिक को फिर से ट्राई करके दिखाने वाला हूं। गाइस, आप लोग अपनी गेम के अंदर इस वाली ट्रिक को ट्राई करना चाहते हो तो इसके लिए आपको सिंपली अपनी गेम के अंदर नाइट मोड को ऑन कर लेना होगा। जैसे यहां पर मैंने अपनी गेम के अंदर नाइट मोड को ऑन कर दिया है और उसके बाद आपको सिंपली अपनी गेम के अंदर एक हॉर्स को स्पॉन करना होगा। जैसे यहां पर मैंने अपनी गेम के अंदर एक हॉर्स को स्पॉन कर दिया है और उसके बाद आपको सिंपली अपने हॉर्स के पास चले जाना होगा। और यहां पर जाकर आपको सिंपली अपनी गेम के अंदर किसी भी गन को ले लेना है। जैसे यहां पर मैंने अपनी गेम के अंदर एक गन को ले लिया है और उसके बाद आपको सिंपली अपनी गन के फायर बटन और साथ साथ हॉर्स के ड्राइव बटन को एक साथ क्लिक करना होगा। और जैसे आप लोग सिंपल स्टेप फॉलो करोगे तो आपका कैरेक्टर हॉर्स पर बैठ जाएगा। और जैसे आपका कैरेक्टर हॉर्स पर बैठता है तो आपको सिंपली अपनी गेम के अंदर गन को स्विच करना होगा और आपको फिर से अपनी गेम के अंदर एक एक गन को ले लेना होगा। और जैसे आप लोग सिंपल स्टेप फॉलो करोगे तो आपके हॉर्स के अंदर भी लाइट ऑन हो जाएगी। और लिटरली जो ये वाली ट्रिक है ना वो तो काफी ज्यादा मस्त है। और आप लोग जल्दी से कमेंट के अंदर बताओ कि आप लोगों को ये वाली ट्रिक कैसी लगी है। और गाइस, हम बढ़ते हैं गेम की अगली ट्रिक की तरफ। तो गाइस, नंबर 2 पर ट्रिक होने वाली वो तो काफी ज्यादा मस्त होने वाली है। गाइस, अगर आप लोग अपनी गेम के अंदर इस वाली ट्रिक को ट्राई करना चाहते हो तो इसके लिए आपको सिंपली जमीन पर कुछ इस तरह से कई सारे स्टिकी बम को लगाना होगा। जैसे यहाँ पर मैंने अपनी गेम के अंदर स्टिकी बम को लगाया है और उसके बाद आपको सिंपली इसके ऊपर एक ट्रक की ट्रॉली को स्पॉन करना होगा। जैसे यहाँ पर मैंने ट्रक की ट्रॉली को स्पॉन कर दिया है और उसके बाद आपको सिंपली ट्रक की ट्रॉली के ऊपर आ जाना होगा। और यहाँ पर आने के बाद आपको सिंपली 9129 डायल करना होगा, यानी कि इन्फिनिटी हेल्थ को एक्टिवेट कर लेना होगा। और उसके बाद आपको सिंपली अपनी गेम के अंदर स्टिकी बम को भी एक्टिवेट करना होगा। और जैसे आप लोग ये सिंपल स्टेप फॉलो करोगे तो आपकी जो ट्रक की ट्रॉली होगी वो ब्लास्ट हो जाएगी, लेकिन आप हवा के अंदर उड़ जाओगे। और लिटरली जो ये वाली ट्रिक है ना वो तो काफी ज्यादा गजब है। और आप सभी लोग अपनी गेम के अंदर इस वाली ट्रिक की हेल्प से अपने कैरेक्टर को हवा में उड़ा भी सकते हो। और आप लोग जल्दी से कमेंट के अंदर बताओ कि आप लोगों को ये वाली ट्रिक भी कैसी लगी है। और गाइस, अब हम बात करते हैं कि आप सभी लोग अपनी गेम के अंदर फ्लाइंग थार को कैसे ले सकते हो। तो गाइस, अगर आप लोग अपनी गेम के अंदर फ्लाइंग थार को लेना चाहते हो तो इसके लिए आपको सिंपली इस वाली लोकेशन पर आ जाना होगा, जहाँ पर आपको सिंपली ये वाला रैंप देखने को मिलता है। और यहाँ पर आने के बाद आपको सिंपली अपने स्मार्टफोन के अंदर 7112 डायल करना होगा, यानी कि मून ग्रेविटी को एक्टिवेट कर लेना होगा। और उसके बाद आपको सिंपली अपनी थार को ड्राइव करना है और उससे जो सामने मिनी रैंप देखने को मिलता है वहां से आपको सिंपली जंप करवाना होगा। और जैसे आप लोग सारा सिंपल स्टेप फॉलो करोगे तो आप देखोगे जो आपकी नॉर्मल थार होगी वो फ्लाइंग थार के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। और आप लोग जल्दी से कमेंट के अंदर बताओ कि आप लोगों को ये वाली ट्रिक कैसी लगी है। और गाइस, अगर आपके पास भी कोई ऐसी कमाल की ट्रिक है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, हम आपकी ट्रिक को भी नेक्स्ट वीडियो के अंदर जरूर से ट्राई करेंगे। और गाइस, अब हम बात करते हैं कि आप सभी लोग मेरी तरह अपनी गेम के अंदर इतने सारे चैलेंज मोड को कैसे ले सकते हो। साथ साथ आप सभी लोग अपनी गेम के अंदर मल्टीप्लेयर मोड को कैसे खेल सकते हो। तो गाइस, अगर आप लोग अपग्रेड पर अपनी गेम के अंदर जो चैलेंज मोड देखने को मिलता है वहां पर क्लिक करोगे तो आप सभी लोगों को अपनी गेम के अंदर सिर्फ 3 ही चैलेंज मोड देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप सभी लोग हमारी गेम के अंदर बाइक रेसिंग को देखना चाहते हो, साथ साथ कार रेसिंग को देखना चाहते हो, साथ साथ आप सभी लोग अपनी गेम के अंदर न्यू हाउस को देखना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे यस कमेंट कर देना, ताकि मुझे भी पता चले कि आप सभी लोग हमारी गेम के अंदर इन सभी चीजों को देखना चाहते हो या फिर नहीं। और अगर आप सभी लोग इस वीडियो के नीचे काफी ज्यादा डिमांड रखोगे तो हम इसके बारे में रोहित सर से बात करेंगे और जो हमारी गेम के अंदर इस बार न्यू बिट आएगी उसके अंदर इन सभी के चैलेंज मोड को ऐड किया जाएगा। और गाइस, हम बात करते हैं कि आप सभी लोग मेरी तरह अपनी गेम के अंदर मल्टीप्लेयर मोड को कैसे खेल सकते हो। तो गाइस, अगर आप लोग अपनी गेम के अंदर अभी टाइम पर मल्टीप्लेयर मोड को खेलना चाहते हो तो हमारी गेम के अंदर में कोई भी मल्टीप्लेयर मोड देखने को नहीं मिलता है। और जो हमारी गेम के अंदर मल्टीप्लेयर मोड आने वाला है वो हमें नेक्स्ट अपडेट के अंदर भी देखने को नहीं मिलेगा, और शायद से जो हमारी फ्यूचर वाली अपडेट आएगी उसके अंदर ही हमें मल्टीप्लेयर मोड देखने को मिलेगा। और अगर आप लोग हमारी जो फ्यूचर वाली अपडेट आएगी उसके अंदर मल्टीप्लेयर मोड को लेना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे यस कमेंट कर देना। और गाइस, मैं आप सभी लोगों को हमारी गेम के अंदर एक छोटी सी ट्रिक भी बता देता हूं जिसकी हेल्प से आप सभी लोग अपनी गेम के अंदर मल्टीप्लेयर मोड के जैसा मजा ले सकते हो। तो गाइस, अगर आप लोग भी अपनी गेम के अंदर इस वाली ट्रिक को ट्राई करना चाहते हो तो इसके लिए आपको सिंपली अपनी गेम के अंदर किसी भी एक बाइक को स्पॉन करना होगा। जैसे यहां पर मैंने अपनी गेम के अंदर कावासाकी निंजा एट2R बाइक को स्पॉन कर दिया है और उसके बाद आपको सिंपली इसके साइड में एक साइकिल
साइकिल को भी स्पॉन करना होगा। जैसे अगर मैंने एक साइकिल को स्पॉन कर दिया है और इसके बाद आपको सिंपली इन दोनों में से बाइक या फिर साइकिल को ड्राइव कर लेना है। जैसे अगर मैंने बाइक को ड्राइव कर लिया है और इसके बाद आपको सिंपली बाइक पर थोड़ी देर बैठे रहना होगा और उसके बाद जैसे आपका कैरेक्टर हेलमेट पहनता है तो आपको सिंपली बाइक से उतर जाना होगा और आपको सिंपली साइकिल पर जाकर बैठ जाना होगा। और उसके बाद आप लोग जैसे साइकिल को ड्राइव करोगे तो आप बाइक को भी ड्राइव कर पाओगे, साथ आप लोग साइकिल को भी ड्राइव कर पाओगे। और लिटरली जो ये वाली ट्रिक है ना वो तो काफी ज्यादा मस्त है। और आप लोग जल्दी से कमेंट के अंदर बताओ कि आप सभी लोगों को ये वाली ट्रिक कैसी लगी। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी कमाल की ट्रिक है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, हम आपकी ट्रिक को भी नेक्स्ट वीडियो के अंदर जरूर से ट्राई करेंगे। बाकी गाइस आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन सभी चीजों के बारे में बताने वाला था और आई होप कि आप लोगों को ये वाली वीडियो काफी ज्यादा मस्त लगी होगी। बाकी गाइस हम जिन जिन लोगों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज इस वीडियो को एक छोटी सी लाइक कर दो और चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर दो। बाकी तो मैं मिलता हूं ऐसी कमाल की वीडियो के अंदर, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।